डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में 1 जनवरी से 4 फरवरी तक स्वाइन फ्लू के 144 सस्पेक्टेड रोगियों की जांच की गई, जिनमें से 46 पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए गए 46 रोगियों में से 35 अकेले जिला कांगड़ा के हैं, जबकि हमीरपुर के 5, 5 चंबा के और 1 मंडी से संबंधित है। स्वाइन फ्लू से अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 6 मौतें टांडा में ही हुई हैं। स्वाइन फ्लू में मरने वाले 5 जिला कांगड़ा से संबंधित है, जबकि हमीरपुर और मंडी से 1-1 व्यक्ति शामिल है। ये जानकारी CMO जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने दी। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि गत वर्ष स्वाइन फ्लू के 298 सस्पेक्ट टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 1 मामला ही पॉजिटिव पाया गया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 में स्वाइन फ्लू बीमारी सामने आई थी। इस दौरान की गई स्टडी में पाया गया था कि ये स्वाइन फ्लू 3 साल की अवधि उपरांत जोर पकड़ रहा है। हालांकि इस वर्ष सामने आए मामलों में जो वायरस पाया गया है, उसकी स्टडी की जा रही है और आखिर ये कौन सा वायरस है। CMO ने बताया कि स्वाइन फ्लू की बीमारी एक विशेष प्रकार के इन्फ्लुएंजल ए वायरस H1N1 से ग्रसित मरीजों के संपर्क में आने से होती है। विशेष तौर पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, शुगर एवं दमे के मरीजों को स्वाइन फ्लू होने का खतरा अधिक रहता है। स्वाइन फ्लू के मरीजों को A, B, C श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी A में वे लोग होंगे जिन्हें H1N1 के परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। श्रेणी बी में वे लोग होंगे जिनकी पास श्रेणी ए के सभी लक्षण होंगे, लेकिन उन्हें उच्च श्रेणी का बुखार होगा और वे उच्च जोखिम वाले श्रेणी में होंगे। उन्हें ओसल्टामिविर के साथ इलाज की आवश्यकता होगी और घर पर ही सीमित रहना होगा। श्रेणी सी में वे लोग आएंगे जिनके पास श्रेणी ए बी के सभी लक्षण होंगे और लक्षण होने के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करना होगा। समझदारी और सहयोग से काम लेने पर ही इसे कम किया जा सकता है। जिला कांगड़ा में अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 35 रोगियों में H1N1 के लक्षण के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी तक जो अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हुई है वो आंकड़ा 5 करोड़। टोटल कितनी जिला कांगड़ा में 5 मौतें और टोटल पॉजिटिव पेशेंट्स 35, पर क्योंकि ये टेस्टिंग फैसिलिटी सिर्फ टांडा, शिमला और कसौली में उपलब्ध है। टांडा में इसके सिवाय बाकी आसपास के जिलों के लिए 11 और मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 2 और मौतें अनफॉर्चुनेटली हुई। तो टांडा में डायग्नोज टोटल रोगियों की संख्या 46 है और टोटल जो डेथ्स हुई हैं वो 7। सब प्रिकॉशंस क्या लोगों को क्या हिदायत है? सबसे पहले हदायत सतर्क रहने की जरूरत है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को भी ये स्वाइन सीजनल इन्फ्लुएंजा है, ये भी एक किस्म का खांसी बुखार जुकाम ही है। सेल्फ मेडिकेशन से बचें, उससे मरीज का अपना नुकसान हो सकता है। अगर कोई ऐसे लक्षण उसमें या उसके परिवार में किसी को पाए जाते हैं तो हमारी सलाह है कि वो नज़दीक के स्वास्थ्य संस्थान में जाकर के अपनी जांच कराएं और जैसे ही वहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता या मेडिकल अफसर जो सलाह देता है उसको फॉलो। तो सर क्या इस टीम गठित की गई है जो घर घर जाके चेक कर रही हो? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमने जो टीम, हमारी विभाग की जो टीमें हैं वो गांव-गांव में जाकर के लोगों को इस बीमारी की में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।